नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कुंभ लगन व धनु राशि के लिए वक्री शनि का प्रभाव। शनि महाराज 30 जून 2024 को वक्री होने जा रहे हैं और वो 14 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। शनि के वक्री रहने का प्रभाव कुंभ लगन व धनु राशि पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। सबसे पहले हम जानें कि कुंभ लगन व धनु राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है। पहले भाव में 11 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका कुंभ लगन। चंद्रमा एकादश में 9 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी धनु राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर कुंभ लगन व धनु राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। कुंभ लगन में शनि महाराज लगन पर गोचर कर रहे हैं और जब वो वक्री होंगे तो वो द्वादश की तरफ जाएंगे। यानी आप कुंभ लगन में लग्नेश वक्री हो रहा है। धनु राशि में शनि महाराज तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं जहां का वो शुभ फल देते हैं और जब वो वक्री होंगे तो धन भाव की तरफ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि कुंभ लगन और धनु राशि की अगर हम बात करें तो वक्री शनि हमें क्या रिजल्ट देने वाले हैं। पहली बात, कुंभ लगन में लग्नेश वक्री हो रहा है तो इसलिए लग्नेश के वक्री होने का अर्थ है पुरानी बीमारी का निकल के आना। इसलिए अगर आप कुंभ लगन व धनु राशि के जातक हैं तो शनि के वक्री रहने की अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही लग्नेश द्वादश होगा, लग्नेश बारहवां जाएगा। जब लग्नेश बारहवां जाता है तो निर्णय हमेशा गलत हो जाते हैं। जातक जल्दबाजी करता है, उसकी क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है, उसे गुस्सा अधिक आता है, उसके हाथ से खर्चे अधिक होते हैं। तो इसलिए जब तक 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहे तो आप कुंभ लगन व धनु राशि के जातक हैं जो भी निर्णय लें सोच विचार के लें, क्रोध पे काबू रखें और खर्चों पे नियंत्रण रखें। अगर आपका नौकरी बदलने का मानस है शनि के वक्री रहने के दौरान तो उसके लिए समय आता है 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 25 के बीच में आप नौकरी बदल सकते हैं। इस अवधि में आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, साथ ही साथ नौकरी में ट्रांसफर की भी संभावना बनती है। अगर आपका वक्री शनि की अवधि के दौरान कोई कोर्ट केस आता है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्नेश बारहवां है, कोर्ट केस में किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। कुटुंब से जुड़े मामलों में सावधानी, अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो कुटुंब में विवाद होने की संभावना बनती है। शनि की वक्री रहने की अवधि के दौरान मित्रों से संबंध खराब होने की संभावना है कि आपके नाते रिश्तेदार वगैरह आपसे खिंचाव महसूस करेंगे। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, अगर आपके माता जी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो विशेष ध्यान रखिएगा। खर्चे, जैसे मैंने पहले बताया कि लग्नेश द्वादश में हो रहा है तो खर्चे आपके अधिक होंगे, और साथ ही साथ अगर बकरी शनि की अवधि के दौरान आप कोई प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं तो सावधानी रखिएगा, किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो जाए। कोई भी काम करिए, कागज वगैरह पूरा देख के करिए, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी रखिएगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो कुंभ लगन व धनु राशि के लिए शनि की वक्री अवधि के दौरान थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में अगर आप कोई भी काम करेंगे तो बिगड़ जाएगा। लग्नेश बारहवां है तो डिसीजन आपके गलत हो सकते हैं, और साथ ही साथ स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। तो कुंभ लगन व धनु राशि के लिए वक्री शनि 35 से 40% तक बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि कुंभ लगन व धनु राशि के लिए वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।